कह रहा था कि बैंड बाजे से तो नहीं, जिसे वो देखा था एनआई को, अरे वो इंटरव्यू कैसा था भाई, जिसमें वो गाड़ी से आ रहे हैं तीन शॉट, तीन बड़ी बड़ी गाड़ियां, बैंड बाजे वाला तो स्वागत नहीं, लेकिन इंडिया टीवी में इंटरव्यू देख रहा था, तीन बड़ी गाड़ियां तो ओला उबर का है। कभी कभी तो दर्शन होते हैं आपके। हां हां हां, पिछले कुछ दिनों में इस बात का काफ़ी हमारे ऊपर दबाव था, बहुत सारे लोगों के मैसेज मेल ही आ रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि न्यूज़ लॉन्ड्री पर ये इंटरव्यू नहीं छपे और बाकी सब जगह इंटरव्यू रवीश कुमार का लोग जनता देख रही है। तो आजकल दो ही लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, अडानी जी और रवीश कुमार। आप पर इंटरव्यू लेने का दबाव है, मुझ पर दबाव है कि मैं इंटरव्यू देना बंद कर दूं। मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों का जवाब मिला होगा और बहुत सारे इंटरव्यू से कुछ तो अलग जानने को मिला होगा। और मैं डरा हुआ हूं कि कोई ये ना कहे कि फिर तुमने इंटरव्यू दिया। लेकिन ये अच्छी बात है कि बात हो रही है और मेरी बात नहीं है, बात यह है कि इतना महान लोकतंत्र है और इतना कमज़ोर नकारा मीडिया है, तो इस देश की जनता को हर दिन हर इंटरव्यू के ज़रिए बताया जाना चाहिए कि आपका लोकतंत्र कोई और ख़रीदने की कोशिश कर रहा है, होने मत दीजिएगा। बिल्कुल। और ये मत कहिएगा कि किसी ने बताया नहीं था, तो बाद में दोष मत दीजिएगा किसी को बताया नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको भी, आपकी टीम को भी।